स्वागत है आप सभी का द अमेजिंग फैक्ट्स के इस नए एपिसोड में। जब कभी आप ऑफिस से घर के लिए निकलते हैं, आपके सर में दर्द हो रहा होता है, आप घर पे पहुंचते हैं और दराज में से एक टेबलेट निकाल के खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद आपको ध्यान आता है कि वो दवा तो एक्सपायर थी। आप उसको पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि वो दवा तो एक्सपायर थी। तो आपके दिमाग में एक सवाल उठता है कि एक्सपायर दवा के खाने से अब हमको क्या होगा? क्या यह दवा हमें और बीमार कर देगी या हमारे लिए कितना नुकसानदायक साबित होगी? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिलते रहे। मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं आप सभी का द अमेजिंग फैक्ट्स के इस नए एपिसोड। एक्सपायर दवा या एक्सपायर इंजेक्शन लेने से हमारे शरीर पर क्या असर होता है, इस बारे में हम जानेंगे आज। भारत के अंदर अधिनियम 1945 और 1940 के तहत दवा की एक्सपायरी निश्चित की जाती है। इसका मतलब ये होता है कि उस तिथि तक उस दवा का असर कितना होता है। ज्यादातर दवाओं का असर 90% तक बना रहता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो दवा या तो जहरीली हो गई या फिर हमारे लिए खतरनाक हो गई, जानलेवा हो गई। दवा की एक्सपायरी तो उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से दवा बन के आती है। विज्ञान की भाषा में उसे ड्रग डिके कहा जाता है। ड्रग डिके उसी दिन से होना शुरू हो जाता है जिस दिन से दवा बन के आती है। अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया है जिसमें एक्सपायर दवा खाने से, लिखित में बात कर रहा हूं, एक्सपायर दवा खाने से या एक्सपायर इंजेक्शन लेने से किसी व्यक्ति की मौत हुई हो। हम जो है ना डरते हैं इस चीज से। हाँ, कुछ दवाएं जो है एक्सपायर होने के बाद नुकसानदायक होती हैं, जो जीवन रक्षक दवाएं होती हैं हमारी, लीजिए और तरल एंटीबायोटिक्स ले लीजिए, ये दवाएं जो है अगर एक्सपायर हो जाती हैं तो जो है हमें उनका सेवन नहीं करना चाहिए। दवाओं का एक पोटेंशियल होता है, उनके मॉलिक्यूल्स का एक पोटेंशियल होता है जो एक निश्चित समय के बाद घट जाता है, और यदि वो हमारे शरीर में जाती हैं तो या तो उनका असर नहीं होता है या फिर वो है एलर्जी पैदा कर देती है। इतना हो सकता है, लेकिन कोई भी दवा एक्सपायर होने के बाद जानलेवा नहीं होती है। ये मिथ है, ये हमारा ये मिथ्या है। ये हम लोग जो सोचते हैं ऐसा नहीं होता है, असर और क्षमता में कमी हो जाती है। अब एक्सपायर दवा हमें किस प्रकार पता लगेगा? डेट से तो पता लग ही जाता है, कभी कभी दवाओं का रंग भी चला जाता है। आप कोई टैबलेट ले लीजिए, उसका कलर चला जाएगा, आप इंजेक्शन ले लीजिए, वो कलर लेस हो जाएगा। तो ऐसे हम उन दवाओं की पहचान कर सकते हैं। एक्सपायर दवा नहीं लेनी चाहिए, ये साइंस कहता है, लेकिन कभी कभी उन एक्सपायर दवाओं में 90% तक क्षमता बनी रहती है एक्सपायरी डेट तक। दवाएं खराब नहीं होती, क्योंकि ड्रग डिके उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से दवा बनती है। तो मेरा निवेदन है आप सबसे, एक्सपायर दवा देखभाल के इस्तेमाल करें, आप पहले देख लें, एक्सपायर दवा का इस्तेमाल ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन वो दवा खराब नहीं होती, असर व क्षमता में कमी हो जाती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस जानकारी को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो, अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारी, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।